रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर। गढ़वा जिले के धुरकी प्रखंड के लिए रिपोर्टर की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। ब्रह्मस्थान खजूरी में आज कलश यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं की सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी, जिनमें लगभग हजार की संख्या में पुरुष व महिला अपने सर पर कलश रखकर यात्रा में शामिल हुई। यह कलश यात्रा ब्रह्म बाबा को परिक्रमा करते हुए खजूरी पुटमा लगमा होते हुए संगम, जहां दो नदियां का मेल है डाडू और यूरिया नदी संगम में वरुण देवता का पूजन किया गया। तत्पश्चात जल भरकर माँ भगवती दुर्गा मंडप लगमा होते हुए ब्रह्म बाबा का परिक्रमा कर पंचांग पूजन किया गया। आपको बताते चले कि आचार्य भोला पांडे, उपाचार्य कमल किशोर पांडे, व्यास रामनिधि तिवारी, बाल व्यास राम मनोज मिश्र, पाठकर्ता वीरेंद्र मिश्र, रमेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, धनंजय मिश्र, नारद नाथ मिश्र, किशोर मनीष मिश्र, अखिलेश पांडे व जपकर्ता विनय पांडे, तारकेश्वर पांडे। इस यज्ञ में आचार्य द्वारा वेद ध्वनि किया जा रहा है व पाठकर्ता के द्वारा स्वर बदल बदल कर आवाज बिखेरा जा रहा है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनी ते तरही नर भव सिंधु बिना जलपान। यह भव्य कलश यात्रा में तादाद संख्या में लोग उपस्थित थे। मौके पर उपस्थित इस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र दुबे, सचिव प्रदीप पासवान, पूर्व मुखिया श्रीकांत गय, अर्जुन दुबे, कृपालू दुबे, मणि तिवारी, आशुतोष तिवारी, आकाश शुक्ला व ढेर सारी संख्या में श्रद्धालु लोग उपस्थित थे। हमारे बीच में आचार्य महोदय जी हैं, विगत बहुत वर्षों से यहाँ पे अपना कार्यकाल संभाले हुए हैं। किस प्रकार से सभी जो है श्रद्धालु को लाभान्वित करेंगे? हमें इस विषय में विशेष नहीं कहना है, लेकिन अभी हमारे जितने भी जानकारी में, हम जब बचपन में थे तब से यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, जिसका आरंभ हमारे पिताजी के द्वारा ही किया गया था, जो निरंतर सभी यहाँ के ग्रामवासी और यहाँ के जो भी कमेटी के सदस्य हैं और पदाधिकारी, इनके रहते हुए बहुत विस्तार किया गया है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और साथ साथ श्रद्धालु जो हमारे पूरे चार राज्यों से यहाँ जुटते हैं और उनका श्रद्धा और विश्वास इतना है इस ब्रह्मस्थली का, कि ब्रह्मस्थल में अपना जो भी मनोकामना के लिए लोग आते हैं, भगवान ब्रह्म बाबा की कृपा से उनका पूर्ति हो जाता है, जिसके फलस्वरूप सालों भर ऐसा आयोजन चलता रहता है। एक नैमिषारण्य में जो कथा आयोजन होता था, वहाँ भी ऋषि मुनि लोग आकर के करते थे, तो उससे यह हमारा रामू प्रमंडल में यह स्थल जो है नैमिषारण्य से कम नहीं है, क्योंकि लाखों लाख की कथाएं हर एक प्रतिवर्ष सुनाई जाती है, जो सबसे बड़ा उपयोगी और बहुत बड़ा स्थल माना जाता है।